इसलिए कल आपसे कह रहा था सेट योर सेल्फ फ्री, बिकॉज फ्रीडम इज एक्चुअल हीलिंग। वो जो भीतर का घाव आपको पीड़ा दे रहा है, आंख से दिखाई तो नहीं देता लेकिन उसकी पीड़ा का अनुभव सतत हो रहा है, वो पीड़ा कैसी है? अभाव की पीड़ा है, कुछ अधूरापन है, कुछ खालीपन है। सत्संग की कृपा होती है तो ये अनुभव होता है, वरना बहुत से अभागे जीव तो इस बात का भी अनुभव नहीं कर पाते कि जीवन में कुछ खालीपन है, कुछ अभाव है। लगता है परिवार है, नाती पोते हैं, सुख समृद्धि है। व्यक्ति इसी को कहते हैं, बोलिए बड़ा भरा पूरा परिवार है, भगवान की बड़ी कृपा है। कोई सौभाग्यशाली जीव होता है सत्संग की, जिस पर कृपा होती है, उसको पहले तो अपने जीवन के अभाव का बोध होता है। हाँ भाई, मेरे जीवन में कुछ अभाव है, कुछ खालीपन है। सब हो जाने के बाद, सब पा लेने के बाद भी जो है, जो का त्यों, आपने भर लिया आपने अपने घर को सारी सुख सुविधाओं से, फिर भी आप देखना, अनुभव करना कर सको तो वो अभाव तो जो का त्यों है। अभी तो हुआ क्या, मन और बिखर गया, मन के तंतु और कहीं 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 अटक गए, और कांटों की झाड़ी में उलझा हुआ सा मन हो गया। अध्यात्म शब्द का ही अर्थ यही है, अध्यात्म। अध्यात्म शब्द का जो व्याकरण की दृष्टि से जो अर्थ है, द ग्रामेटिकल मीनिंग, वो भी यही है, अध्यात्म। स्वस्थ हो जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। इसलिए मैंने कहा अपने आप को स्वतंत्र करने की चेष्टा करिए, और भगवान की माया से मोहित होकर जीव भगवान से बंधन मांगता है, ये मिले वो मिले, ये मेरा हो जाए वो मेरा हो जाए। आप देखो, भगवान की माया से मोहित हुआ जीव भगवान से आंचल पसार पसार कर बंधन मांगता है। संतान ना हो तो व्यक्ति द्वार द्वार भटकता है, संतान हो जाए। आप देखो, ये भगवान से, भगवान की माया से मोहित हुए जीव का ही तो लक्षण है, भगवान से संबंध मांग रहा है। ये तो अच्छा है, प्रभु दयालु है देते नहीं, होनी हो के रहे रिविधना तारे ना ही टरे। ये तो भगवान दयालु हैं, जो जीव के मांगने पर उसको देते नहीं। इसलिए हो सके तो इसका विचार करना, फ्रीडम इज एक्चुअल हीलिंग। जो भीतर से स्वस्थ करने वाला है वो क्या है? वो स्वतंत्रता का भाव है, जब आप बंधन मुक्त हैं। एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज बॉन्डेज। इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई बंधन है, संबंध है, वो वस्तुतः बंधन ही है, बांध रहा है आपको। वही है जो आपको आपके आपके सच्चे सुख से दूर कर रहा है। इसीलिए कई बार आपको कहता हूं, भाई प्रारब्ध से जो मिला है उसको तो स्वीकार कर लीजिए, लेकिन कम से कम नया संबंध तो मत बनाइए, अपनी ओर से कोई नया आरंभ तो ना करिए। उस दिन मैं आपको संकेत कर रहा था, श्री रघुनाथ जी ने अवध वासियों को ये बात कही, जब भगवान अपने भक्त की बात कह रहे हैं तो भगवान ने कहा, अनारंभ अनिकेत अमानी। भगवान ने कहा अनारंभ, वो अपनी ओर से कोई नया नवीन आरंभ नहीं करेगा, वो अपनी ओर से कोई नया संकल्प, नया प्रकल्प आरंभ नहीं करेगा संसार में। भाई जो प्रारब्ध में है वो हमको मिल जाएगा। अब संसार ऐसे व्यक्ति को कहेगा, बोले तू निठल्ला है, निकम्मा है, कोई बात नहीं, क्या हुआ क्या हुआ? संसार हमको अच्छा कहे, हमको अच्छा माने, हमको भला कहे, हमको भला माने, ये भी तो मूल में संसार की वासना ही है, ये भी तो लोकेशना ही तो है, और क्या है? इसीलिए कबीर जी ने कहा, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हुए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। भाई संसार की चिंता छोड़कर कोई भजन कर सकता है। अब जो कहेगा सो कहेगा, और जो होगा सो होगा। तभी तो भाई साहब ने कहा, ओ राणा जी रूठे मरो कई कर लेसी, मैं तो हरी गुण गा सारी माई। राजा जी रूठे वरो देश रखासी, हरी रूठा किठ जा स्यारी। राम नाम रो झाज चिला स्या,
भौसागर तिर जा स्यारी माई मीरा दासी सावल गिरिधर री मीरा दासी सावल गिरिधर री भितु चरण कमल लिपटा स्यारी भाई जो कहेगा सो कहेगा। भोली सखी कहती है को निंदत को बंदत वृथा बकत बहु तेरे अपनो दूलो राजी चाहिए जा संग पारे फेरे सब विधि मैं इनकी और ये मेरे। ये किसी स्वस्थ हृदय का उद्गार है जो मैं आपसे कह रहा हूं ना। स्वस्थ होना अध्यात्म है, आध्यात्मिक उपलब्धि है। ये किसी स्वस्थ हृदय का उद्गार है भाई जो कहेगा सो कहेगा। But you are untouched. यहां कुछ भी हो रहा है पर आपको नहीं छू रहा है। गीता में भगवान ने यही संकेत किया इस द्वंद के मध्य जो निर्द्वंद होकर रहे, इस विषम विकृति से भरे संसार के बीच में कोई निर्लिप्त यदि है उसको जानना चाहिए भाई कुछ मिला है, उसको कुछ प्राप्त हुआ है।